आज की इस कक्षा में हम सीखेंगे संख्या का वर्ग क्या होता है। एक संख्या हम लिख रहे हैं एक। अब एक का घात हमने दो दिया, तो इसका मान क्या हुआ या इसका अर्थ क्या हुआ? एक का घात दो, इसका अर्थ हुआ एक गुना एक, अर्थात एक। ये जो घात हमने दो लिखा है इसका नाम है वर्ग, इसे वर्ग कहते हैं और अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। कुछ और संख्याएं लेते हैं, दो लेते हैं और दो का घात दो यानी दो का वर्ग, ये होगा हमारा दो गुना दो बराबर चार। एक और संख्या लेते हैं तीन, और तीन का वर्ग तो ये होगा तीन गुना तीन बराबर नौ। एक और संख्या लेते हैं आठ, आठ का वर्ग तो ये हो जाएगा आठ गुना आठ बराबर चौंसठ। एक और संख्या लेते हैं दस, दस का वर्ग तो ये होगा दस गुना दस बराबर एक सौ। तो यहाँ ये जो संख्या आई एक चार नौ चौंसठ एक सौ, इसे हम पूर्ण वर्ग संख्या, अंग्रेजी में परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या सिर्फ वर्ग संख्या स्क्वायर नंबर कहते हैं। आइए आइए इसे शब्दों में लिखते हैं। यहाँ एक चार नौ चौंसठ एवं एक सौ को पूर्ण वर्ग संख्या और अंग्रेजी में कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कहते हैं इसका दूसरा नाम वर्ग संख्या, सिर्फ वर्ग संख्या या स्क्वायर नंबर भी है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या एक संख्या लेते हैं, क्या ये पांच पूर्ण वर्ग संख्या है? तो हम देखते हैं पांच यहां किसके बीच आएगी, चार और नौ के बीच आएगी, और चार जिसका पूर्ण वर्ग है वो है दो, और नौ जिसका वर्ग है वो है संख्या तीन। ये दो प्राकृत संख्याएं हैं दो और तीन, और दो और तीन के बीच कोई और प्राकृत संख्या नहीं है, अतः ये पांच पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी तरह से हम अन्य संख्याओं को भी चेक कर सकते हैं। आइए अब हम पूर्ण वर्ग संख्या के कुछ गुणों को देखते हैं। तो हम सबसे पहले एक से लेकर 20 तक के वर्ग को देखते हैं। तो हमारा एक का वर्ग है एक, दो का वर्ग हो गया हमारा चार, तीन का वर्ग है नौ। इस तरह से हम अगर सारे वर्ग संख्याओं का अवलोकन करें गौर से, तो हम यहां देखेंगे कि जितने भी वर्ग संख्याएं हैं उनमें किसी के भी इकाई में दो
तीन, सात या आठ नहीं है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस संख्या के इकाई में दो, तीन, सात या आठ रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। एक गुण यह हो गया। अब दूसरा गुण हम अवलोकन करते हैं। यह एक विषम संख्या है तो इसका वर्ग जो हुआ वह भी विषम संख्या है। दो सम संख्या है तो इसका वर्ग भी सम संख्या हो गया। तीन विषम संख्या है तो इसका वर्ग भी विषम हो गया। कुछ और देखते हैं, इधर देखते हैं। 14 जो है ये सम संख्या है तो उसका वर्ग भी सम संख्या हो गया। 15 विषम संख्या है तो इसका वर्ग भी विषम संख्या है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि सम संख्याओं का वर्ग सदा सम एवं विषम संख्याओं का वर्ग सदा विषम होता है। एक तीसरा महत्वपूर्ण गुण है, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। यहां दो संख्याएं हम देख रहे हैं शून्य वाली, एक 10 और एक 20। तो इसके वर्ग में यहां दो शून्य है और यहां भी दो शून्य है। हम जब कुछ और संख्याएं लेंगे तो यह और स्पष्ट हो जाएगा कि अगर शून्यों की संख्या विषम हो तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। दी हुई दो संख्याओं के बीच की वर्ग संख्याएं, अर्थात दो संख्याएं अगर दी हुई हैं तो उनके बीच कौन कौन सी वर्ग संख्याएं होंगी, यह कैसे हम निकालेंगे? तो एक उदाहरण लेते हैं, 81 और 100 के बीच कितनी वर्ग संख्याएं होंगी? तो हम जानते हैं 9 का वर्ग बराबर 81 और 10 का वर्ग बराबर 100। अब हम देखते हैं कि 9 और 10 के बीच कोई और प्राकृत संख्या नहीं है, तो 81 और 100 के बीच कोई वर्ग संख्या नहीं होगी। आइए इसे हम लिख लेते हैं। क्योंकि 9 और 10 के बीच कोई प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर नहीं है, अतः 81 और 100 के बीच कोई वर्ग संख्या नहीं होगी, कोई वर्ग संख्या नहीं होगी। हम एक और उदाहरण ले रहे हैं, 60 और 120 के बीच कितनी वर्ग संख्याएं हैं? तो हम देखते हैं कि 60 बड़ी है 7 के वर्ग से और 120 छोटी है 11 के वर्ग से। तो इसका अर्थ ये है कि 60 और 120 के बीच दो जो भी वर्ग संख्याएं होंगी वो 7 और 11 के वर्ग के बीच की होंगी, यानी 7 का वर्ग और 11 का वर्ग, इसके बीच की ही जो संख्याएं होंगी। तो 7 से बड़ी होती है 8, तो 8 का स्क्वायर हम लेंगे, 8 का वर्ग लेंगे तो 64, और इसके बाद होती है 9, 9 का स्क्वायर या वर्ग लेंगे तो 81, और इसके बाद होती है 10, और 10 का वर्ग हम लेंगे तो 100, फिर 11 लेंगे तो 120 से ज़्यादा हो जाएगा, 121।
तो हमें मिल गई तीन वर्ग संख्याएं 60 और 120 के बीच, 64, 81 और 100। अतः 60 और 120 के बीच की वर्ग संख्याएं हैं 64, 81 और 100।